अपनी ब्रांड का लोगो बनाए सिर्फ 4999 में। logobigo.com अब बनेगा ब्रांड। तो भाई फिर से एक बार एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, वो वाला उस मूवी का सॉन्ग आउट हुआ है भाई, चुम्मा। राजकुमार राव, तृप्ति दिमरी, भाई पवन सिंह ने गाना गाया है, तो भाई तगड़ा रहने वाला ऐसा लग रहा है मुझे। सचिन जिगर का म्यूजिक है। थोड़े से क्रेडिट्स पढ़ लेते हैं यार, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राज शांडिल्य, रिलीजिंग इन सिनेमाज विद बैंग ऑन 11 अक्टूबर 2024। सही है भाई। सॉन्ग क्रेडिट्स में म्यूजिक है सचिन जिगर का, सिंगर है पवन सिंह, रूपाली जग्गा, रूपेश मिश्रा, मानसा जिमी एंड सचिन जिगर। क्या बात है। लिरिक्स है वायु के। भाई क्रेडिट्स काफ़ी लंबे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पहले अभी सॉन्ग देख लेते, सुन लेते, दिन उसके बाद प्रॉपर उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन चैनल पर नहीं हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, कर दो। चलो तो काउंट डाउन करते, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ना रहे रे वो तो। जब से गई है तुम आई के मैं बैठा ना नहाई के उड़ा में स्वाद भी चाई के। ओके ओ जब से गई है तुम आई के मैं बैठा ना नहाई के उड़ा में स्वाद तो सही भी चाई के। क्या हुआ वो तेरा वादा, रो रो के हुआ मैं आधा, जान ले ले मुझे दिखाई के। ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, ओ मेरी क्यूटी, तेरे होंठों की सेंड है तुम्हारी बातें बथेरी, बातों से मन बहलाना। चलो क्या हाथ है भाई साहब, यहाँ पे वो वाला वीडियो सॉन्ग खत्म। 11 तारीख को मूवी आ रही है। और कैसा था गाना? जबरदस्त है भाई। मैंने बोला कि जैसे पवन सिंह का नाम देख लिया ना मेरे टाइटल में, तभी मुझे पता चला भाई कि भाई गाना तगड़ा रहने वाला है। और पवन सिंह का जो एक स्टाइल रहता है ना, सी वो दिख रहा है ना, पवन सिंह का अलग ही स्टाइल है, अलग स्टाइल, उनका गाने का तरीका ही अलग है भाई। अलग अलग, हर एक का अलग अलग स्टाइल। तो यार उनका गाना सुनने में जो मजा आता है ना, तो एक नंबर यार। क्या गाने में एनर्जी थी, क्या राजकुमार राव, क्या जबरदस्त किया उन्होंने भी, और एकदम एनर्जी, फुल एनर्जेटिक गाना था। सेट काफी तगड़ा था, लिरिक्स मुझे जबरदस्त लगे भाई, म्यूजिक एक नंबर था। दोनों ने जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया ना, जब पवन सिंह की एंट्री हुई, राजकुमार राव और पवन सिंह की जो जुगलबंदी दिखाई, तृप्ति तो है ही, मतलब वो तो हीरोइन है, बट इन दोनों की जो जुगलबंदी थी ना भाई, ये मुझे मस्त लगे यार, एक नंबर, जबरदस्त। तो पैर भी नहीं हुए तो वो भी अच्छी लग रही है। और यार अभी लग रहा है कि यार ये मूवी कुछ अलग है, अलग किया है यार। राजकुमार राव का क्या लुक किया भाई, पॉनी टाइप, पूरा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बियर्ड काफी ज्यादा बड़ा ही इस टाइम उन्होंने, और बाल भी थोड़े से कर्ली किए हैं, ऐसे हेल्दी लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं।
और सेट भी काफी जबरदस्त बनाया ये है। ये सेट देख के ना मुझे वो मुन्नी वाला गाना याद आ गया, मुन्नी बदनाम ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत था, मतलब टाइप का था, तो उसी टाइप में यार तो मजा आ गया यार गाना देख के। खास करके यार पवन सिंह के वजह से ये गाना मतलब चार चांद लग गया, और उनकी जो एंट्री डाली ना उसमें जो उनका एपीरियंस था वो मुझे मस्त लगा। अच्छा लगा जब उनकी एंट्री होती है भाई, तो एकदम ऐसे ग्रैंड लेवल पे दिखाया है पवन सिंह को भाई। गाना एक नंबर था, जोरदार गाना था, हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा। आपको ये गाना कैसा लगा, इस गाने में आपको क्या अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जाते जाते वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।